वेस्टर्न कंट्री का अब तक की सबसे सुंदर महिला है। कौन है इनके कवि? वाल्टर डिलामियर। वाल्टर डिलामियर से आप कहते हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन वेस्टर्न कंट्री। कवि वाल्टर डिलामियर पुनः अपनी बातों पे जोर डालते हुए कहती हैं, मैं सोचता हूँ यह जो महिला जो कब्र में पड़ी हुई है वह वेस्टर्न कंट्री का यानी कि पश्चिमी देश का अब तक की दैट इवर अब तक की सबसे सुंदर स्त्री है। ये बात कौन बोल रहे हैं? वाल्टर डिलामियर। हमको तो लगता है वाल्टर डिलामियर और इनके बीच में कुछ कनेक्शन शायद हो सकता है, इसलिए इतना उसमें बेचारा जोर डाल रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता, ज्यादा निगेटिव आप लोग कम सोचिए, क्योंकि आप लोग ज्यादा निगेटिव में सोचते हैं, खासकर बॉयज लोग। हाँ, बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस कभी कहते हैं, लेकिन सुंदरता का क्या? सुंदरता अचानक गायब हो सकता है, सुंदरता खत्म हो सकता है, बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस। सुंदरता का क्या? सुंदरता अचानक भी गायब हो सकता है और सुंदरता खत्म भी हो सकता है। हाउएवर रेयर रेयर इट इज, हाउएवर रियर रियर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु यू रिमेम्बर। कभी कहते हैं जब ये सुंदरता अचानक खत्म हो गया, जब ये सुंदरता अचानक खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो सुंदरता को पुनः ला पाना बहुत मुश्किल है। रियर रियर का मतलब है दुर्लभ है। हाउ इवर रियर रियर इट बी, पुनः उसे वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु यू रिमेम्बर, एक क्रम्बल का मतलब ऐसा होता है नष्ट हो जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना हो मर जाना। यहाँ पे आई बढ़ाया, आई एक हमेशा एक लिविंग थिंग्स के लिए आता है, यहाँ पे क्रम्बल का मतलब हो जाएगा मर जाना। क्या हो जाएगा? मर जाना। कभी कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल हू विल रिमेम्बर, जब मैं मर जाऊंगा तो इस सुंदर महिला को कौन याद करेगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हू विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, जब मैं मर जाऊंगा तो इस बेस्ट कंट्री की महिला को कौन याद करेगा। या फिर वाल्टर डिलामियर शॉर्ट लाइन की पोएम में ही बात बताते हैं, और इनका जो सेंस, इनका जो संवेदनशीलता है, इनका जो लगाव है इस सुंदर महिला के प्रति, और कहते हैं हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इस कब्र में, इस कब्र के पास कभी खुद बैठे हुए हैं और बोलते हैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्त्री पड़ी हुई है जो बिंदास है, खुले दिल की है, घूमने वाली है, घूमने फिरने की आदी है। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्टर्न कंट्री। कभी पुनः इस बात को जोर डालते हुए कहते हैं, मैं सोचता हूँ यह महिला जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है और अब तक की वेस्टर्न पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला है, पर ब्यूटी वैनिशेस सिर्फ ब्यूटी पास है, लेकिन सुंदरता का क्या? सुंदरता अचानक भी गायब हो सकता है और धीरे धीरे करके भी गायब हो सकता है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड रेयर रेयर इट बी, लेकिन हाउएवर रेयर रेयर इट बी, और कभी कहते जब एक बार सुंदरता खत्म हो जाएगा तो पुनः उसे वापस ला पाना दुर्लभ, इसलिए कभी सुंदरता पे घमंड नहीं करना, खासकर लड़कियां लोग। एंड देन आई क्रम्बल हू विल रिमेम्बर, जब मैं मर जाऊंगा हू विल रिमेम्बर इस महिला को, इस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा। ये आपके वाल्टर डिलामियर साहब इस पोएम के माध्यम से एपिटाफ में बताना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन पूछेगा इन एन एपिटाफ लेसन व्हाट डू यू मीन बाय हेयर, हेयर का मतलब है ग्रैब। तो ये बात बता चुके हैं, किसके बारे में चर्चा किए हैं? ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा किए हैं। एक लेडी के बारे में और चर्चा किया गया है जो आपका फर्स्ट लेसन से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें जॉन डन साहब जो अपने प्रियतम के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे एक सुंदर स्त्री के बारे में है। अरे सुंदर स्त्री है तो कहाँ की है? वेस्टर्न कंट्री की है। और आई का मतलब किसके लिए यूज किया गया? देखिए क्वेश्चन बनेगा, हाउएवर एंड व्हेन आई क्रम्बल हू विल रिमेम्बर इन दिस लाइन व्हाट डू मीन बाय आई, आई किसके लिए यूज किया गया है? आई आपके वाल्टर डिलामियर साहब के लिए यूज किया गया है। क्रम्बल का मतलब क्या है? क्रम्बल का मतलब जो बॉडी बताए नष्ट हो जाना मर जाना, दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कि बेस्ट कंट्री के बारे में, बेस्ट कंट्री की लेडी के बारे में बात किया गया है। ये बात कौन बताते हैं? वाल्टर डिलामियर साहब। यही था आपका सात लाइन का पोएम जिसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसका सारांश खुद से लिखने का प्रयास करें। मेरे वीडियो को पॉज करके आप देखें तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, और इसका सारांश Yeah.